जिन्होंने नहीं लिया ना फाउंडरशिप या फिर ऑन पैसे में नहीं आए, तो आने वाली पीढ़ी उनको कोसेगी भी कि आपको इतना सुनहरा मौका था, दो तो तीन तीन साल ये लोग कह रहे थे, आपके दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जली, ये बात बिल्कुल होके रहेगी। मांगेराम भाई ने सबसे पहले कहा था कि मतलब अभी जो ट्रांजेक्शन हो रहे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे और पहले वैसे नहीं था, मतलब पूरी दुनिया ही अलग थी, तो ये एक बदलाव था कि एक पूरी नई दुनिया आज हम देख रहे थे। अगर पुराने लोगों को पूछा जाए तो वो नहीं कहेंगे। और इसी तरह मैंने भी बहुत बार कहा है कि अगर 500 साल पहले अगर कोई कहता कि मेटल में से आप ऊपर से उड़ के एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाओगे तो शायद ही कोई विश्वास रखता, लेकिन ये अभी हो रहा है और वो अभी एक निरंतर ये बात है कि ये हमारा एक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है, जो जिसे हम एरोप्लेन कहते हैं। तो बात वही है कि जिसको हम नकारते हैं, जिसको हम बिल्कुल शंका के तौर से देखते हैं, और वही दुनिया बदलती है। ऑन पैसे के बारे में हम सब ने ही कहा है कहीं ना कहीं कि 360 डिग्री में हमारी दुनिया बदलने वाली। दिनेश जी ने एक थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के बारे में जो कहा, इसकी जो कथा थी मैंने मेरे दिल की बात में एक बार कही थी, और जब उन्होंने तय किया कि नहीं अभी अभी मैं नौकरी ज्वाइन करूंगा, फिर से मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, और उसी दिन 1000 बल्ब चले गए। तो ये बात है कि जब तक आपको हौसला है ना, हौसला बनाए रखिए, मतलब पेशेंस की बात हमेशा होती है, वो पेशेंस तो दीपम भाई ने बताया ही है हमको, तो उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बात मुझे बहुत आज भाई है दिनेश भाई ने जो कहा है कि कॉरपोरेट मेंटालिटी हमको लानी चाहिए, मतलब जो MLM वाली मेंटालिटी लोगों की रहती है, मैं तो ये कहूंगी कि जो नहीं है MLM वाले वो भी अगर हम रेफर करते हैं तो उनको लगता है कि MLM है। तो ये जरूरी नहीं कि MLM वालों को ही MLM की मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी, सारी दुनिया को MLM की मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी, तभी वो ऑन पैसे में आ सकते हैं या वो अपना सकते हैं। तो कॉरपोरेट लेवल का अभी हमें अभी वो समझ में आ गया कि कैसे कॉरपोरेट के फाउंडर्स एक कंपनी के फाउंडर्स होते हैं और हमें कैसा जीना चाहिए। इवेंट के बारे में एक बात कहूंगी कि हमेशा जो अभी दीपम दिनेश भाई ने कहा था कि टीम के बारे में हमको नहीं सोचना है, इसके बारे में मैं कहूंगी कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इस इवेंट जो हमारा पोस्टपोन है उसके दौरान कि मेरी 20 की टीम है, मेरी 2000 की टीम है और मैं आना चाहता, तो इट हैज नथिंग टू डू विथ योर टीम साइज। क्या है कि अगर कोई एक है तो क्या उसका हक नहीं है इवेंट में आने का, लेकिन हाँ एक सिस्टम होती है जो इवेंट में हम एनरोलमेंट करके, ऐसा नहीं है कि आप है तो डायरेक्टली लोकेशन पूछ के आ जाओगे, तो ये तो बात अलग है, ये सब्जेक्ट ही अलग है, लेकिन बात यह है कि हर एक की एक मानसिकता है कि टीम साइज बड़ा है और मुझे इवेंट में आना है, तो ये भी एक मेंटालिटी का ही एक परिचय देता है कि जो हम अभी भी MLM मेंटालिटी के ही तौर पर खुद को प्रेजेंट करते हैं। देवीलाल भाई ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी है ना, वो याद रखेगी कि हमारी जनरेशन, पिछले जनरेशन ने ये आईडी ली थी और ऑन पैसे में फाउंडर थे, तो आज हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि जिन्होंने नहीं लिया ना फाउंडरशिप या फिर ऑन पैसे में नहीं आए, तो आने वाली पीढ़ी उनको कोसेगी भी कि आपको इतना सुनहरा मौका था, दो तो तीन तीन साल ये लोग कह रहे थे, आपके दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जली, ये बात बिल्कुल होके रहेगी। नीरज भाई ने कहा है कि यूनिकॉर्न कंपनी का चांस बार बार नहीं आता, सही है, ये एक ही चांस है, ना कभी किसी ने दिया है ना आगे जाके कोई देगा, तो हमें पहले ही इसको ग्रैप करना चाहिए। और ये यूनिकॉर्न कंपनी की मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ, इसके लिए मुझे बहुत बहुत गर्व है कि मैं ऑन पैसिव करती हूँ विथ वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मांगेराम सर।